के अरविंद ओझा के हवाले से जो सीसीटीवी सामने आया है ये उस घटना का पहला पुख्ता सबूत है। मैंने अपने पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान देखा। दोस्तों अभी के समय सेमिनार हॉल से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखने के बाद सीबीआई के भी होश उड़ गए हैं। कोलकाता केस में लेडी डॉक्टर के और मर्डर केस को लेकर एक ऐसे शख्स की पहचान भी की गई है जिसके टीएमसी पार्टी के लोगों के साथ काफी गहरे संबंध है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि वो दरिंदा संदीप घोष का काफी ज्यादा करीबी भी है। वो दरिंदा इतना हैवान है कि अगर आप उसकी करतूतों के बारे में सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांपने लगेगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में संदीप घोष ने दरिंदों का एक पूरा जाल बिछाया हुआ था जिसमें वो लेडी डॉक्टर फंस गई। लेकिन अब जब इनका पाप का घड़ा पूरे तरीके से भर चुका है तो अब संदीप घोष और उसके सारे साथी काफी बड़ी मुश्किल में आ चुके हैं। अभी के समय इन लोगों पर काल मंडरा रहा है। इस पूरे के पूरे केस में 47 लोग सीबीआई के रडार पर बने हुए हैं जिनमें गवाह भी शामिल है और 7 से ज्यादा लोगों का सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट भी कर चुकी है। और इनमें जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड यानी कि संदीप घोष है उसका कई बार यानी कि लगभग 13 बार सीबीआई टेस्ट कर चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी के समय काफी बड़ा खुलासा हुआ है वो ये है कि संदीप घोष जो कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल था वो अपने कॉलेज और हॉस्पिटल में जो लावारिस डेड बॉडी होती थी और जितना भी बायोमेडिकल वेस्ट यानी कि इंजेक्शन पट्टियां वगैरह होता था उन सब की गैर कानूनी तरीके से बांग्लादेश में स्मगलिंग कराता था। और जिन जिन स्टूडेंट्स को उस प्रिंसिपल के काले कारनामों का पता चल जाता था वो उन्हें ठिकाने लगाने का काम कर देता था। इसीलिए ट्रेनी डॉक्टर से पहले भी इस कॉलेज के कई सारे स्टूडेंट्स इसी तरीके से अपनी जान गंवा चुके हैं। और प्रिंसिपल के ये काले राज उस ट्रेनी डॉक्टर को भी पता चल गए थे जिसकी वजह से उस ट्रेनी डॉक्टर को काफी लंबे समय तक ब्लैकमेल भी करा गया। डॉक्टर ने 15 जूनियर डॉक्टरों का एक गैंग भी बनाया था जो वसूली का काम करते थे। इस गैंग के सदस्य गेस्ट हाउस में लड़कियां उठाकर लाते थे और जो लोग बाहर से आते थे उनके लिए महफिलें सजाने का काम किया जाता था। और यही गैंग स्टूडेंट्स को पास या फेल करने की धमकी भी देती थी। स्टूडेंट से पैसे वसूले जाते थे और स्टूडेंट्स को गलत काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। सूत्रों के हवाले से ये बात भी सामने आई है कि संदीप घोष के पास भ्रष्टाचार का काला धन भरा पड़ा है। इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि इनके साथ कुछ लोग और भी हो जो आपस में मिल बांट कर खाते हो। और ये सारा बड़ा खुलासा संदीप घोष के साथ ही काम करने वाले उसी डिपार्टमेंट के एक बड़े अधिकारी ने किया है जिससे ये बात तो शीशे की तरह साफ है कि इस केस का जो जाल बिछाया गया है वो काफी ज्यादा लंबा बिछा हुआ है जिसमें कई बड़े बड़े और पावरफुल लोग शामिल है। और तो और खुशी की बात तो ये भी है कि सीबीआई जल्दी अपने फाइनल डिसीजन पर भी पहुंचने वाली है। और तो और कोर्ट में चार्जशीट भी बहुत ही जल्द सीबीआई पेश करने वाली है जिसमें तमाम दरिंदों की करतूते और उनका सारा काला चिट्ठा जज के सामने पहुंच जाएगा जिसके बाद लेडी डॉक्टर के साथ ऐसी हैवानियत करने की वजह से उन्हें फांसी की सजा तो मिलना पक्की है। इस पूरे केस में संजय रॉय को बलि का बकरा बनाने की पूरी कोशिश की गई है साथ ही साथ क्राइम सीन की जगह को तहस नहस करके सबूतों को मिटाया भी गया। इसीलिए ये तमाम दरिंदे ऐसा सोच रहे थे कि ये सारा कुछ करने की वजह से हम बच जाएंगे, हम तक सीबीआई पहुंच ही नहीं पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि एक ऐसा वीडियो भी अभी के समय वायरल हो रहा है जिसमें संदीप घोष उनके वकील और पुलिस के साथ साथ हॉस्पिटल के भी कई सारे लोग सेमिनार हॉल में घटना होने के बाद एक साथ बड़ी भीड़ में दिखाई दे रहे थे। सेमिनार हॉल का ये वीडियो लीक होने के बाद लोगों का शक यकीन में बदल गया कि जरूर कोलकाता पुलिस ने सबूतों को मिटाने में और छिपाने में मदद करी है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बताया जा रहा है कि उस पूरी घटना में सबूतों के तौर पर फिंगरप्रिंट भी मिले थे लेकिन बाद में सबूत के तौर पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे उनके साथ भी छेड़छाड़ करी गई। इसीलिए दोस्तों शुरुआत से ही लेडी डॉक्टर के रेप और से जुड़े जितने भी तमाम अहम सबूत थे उन सबूतों को मिटाने की पूरी कोशिश करी गई। और अगर वो सबूत नहीं मिटाए गए होते तो शायद सीबीआई को इतना लंबा समय न लगता। जो तमाम नए नए सबूत मिल रहे हैं उनसे ये बात तो जाहिर है कि पूरा का पूरा हॉस्पिटल ही लेडी डॉक्टर के और से जुड़ा हुआ है क्योंकि जाहिर सी बात है कि लेडी डॉक्टर का इतनी बुरी कंडीशन में रेप और मर्डर होने के बाद उस लेडी डॉक्टर के माँ बाप को ये बताया जाता है कि उनकी बेटी ने खुदकुशी करी है। पहले तो उनको कॉल करके ये बताया जाता है कि उनकी बेटी बीमार है। फिर जब डॉक्टर के माँ बाप हॉस्पिटल के कर्मचारियों के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं तो उसके बाद उन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। लेकिन डॉक्टर के माँ बाप को इस बात पे जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनकी बेटी कायर नहीं हो सकती। उनकी बेटी मुसीबत से भागने वाली नहीं है बल्कि लड़ने वाली है ये बात वो जानते थे। इसीलिए उन्हें पूरा भरोसा था कि उनकी बेटी ऐसा गलत काम नहीं कर सकती। इसीलिए तो डॉक्टर के माँ बाप को अपनी ही बेटी का शव दिखाने के लिए हॉस्पिटल में 3 घंटे तक वेट कराया गया। और तो और उनकी मुलाकात प्रिंसिपल के साथ भी नहीं कराई गई जिससे ये बात तो साफ है कि हॉस्पिटल की कई बड़ी हस्तियां और कोलकाता की पुलिस उस लेडी डॉक्टर के और मर्डर पीछे जो तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उन्हें बचाना चाहती है। तभी तो उस समय सारी की सारी चीजों को खुद के कंट्रोल में रखा गया और सबूतों को मिटा दिया गया। लेकिन दोस्तों अब जरा जानते हैं कि एक नई वीडियो से जो एक दरिंदा पकड़ा गया है वो कौन है और लेडी डॉक्टर के केस से भला उसका क्या नाता है और भला वो दरिंदा कौन कौन से बड़े बड़े कांड कर चुका है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप उस लेडी डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए कॉमेंट सेक्शन में #justice जरूर लिखें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। दरअसल दोस्तों इस केस में जो नया दरिंदा पकड़ा गया
गया है और हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो संदीप घोष का बेहद ही करीबी है। उस शख्स का नाम है मुस्तफिजुर रहमान और इस शख्स के ऊपर रैगिंग के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि ये शख्स बाहर से गुंडे लोगों को बुलाकर कॉलेज की लड़कियों की रैगिंग करवाता था और तो और इसके ऊपर ये आरोप भी लगे हैं कि यही दरिंदा यानी कि मुस्तफिजुर रहमान उस कॉलेज की जो सुंदर डॉक्टर होती थी उन्हें किसी सुनसान से और एकांत कमरे में बुलाकर वो शख्स उन महिलाओं को आइटम सॉन्ग्स के ऊपर डांस करवाता था। हॉस्पिटल के एक मोहम्मद नाम के एक जूनियर डॉक्टर ने ये बात भी बताई है कि मुस्तफिजुर ने करीब 3 साल पहले मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज से अपनी डिग्री ली थी और पढ़ाई पूरी करने के बाद भी वो यहीं पर जमा हुआ है और हॉस्पिटल के हॉस्टल में ही रहता है। वो हॉस्पिटल का स्टाफ भी है जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा परेशान करता है और जूनियर डॉक्टरों को हॉस्टल से बाहर निकालने की धमकी भी देता है। और जब भी हम उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने की बात कहते हैं तो वो बोलता है कि ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा भले ही वो शिकायत हेल्थ डिपार्टमेंट में क्यों ना हो। इसी के साथ साथ संदीप घोष का एक और करीबी सीबीआई के रडार में बना हुआ है जो खुद फोरेंसिक मेडिसिन का डॉक्टर है यानी कि डॉक्टर देवाशीष सोम। और आपको बता दें कि इस समय जो आप वीडियो देख रहे हो जिसकी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले करी थी उस वीडियो में भी यही शख्स यानी कि देवाशीष सोम दिखाई दे रहे थे जिसमें वो संदीप घोष के साथ ही दिखाई दे रहे थे। उस दिन क्राइम सीन पर देवाशीष सोम भी मौजूद थे और जब डॉक्टर का पोस्टमार्टम हो रहा था तब भी वो वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में उनकी पोस्टिंग ही नहीं है तो भला ऐसे में वो उस समय वहाँ पे क्या कर रहे थे। भला आरजीकर मेडिकल कॉलेज में उनका क्या काम था कि वो घटना के बाद सेमिनार हॉल में संदीप घोष के साथ दिखाई दिए थे। क्या वो सबूत मिटाने के लिए आए हुए थे। इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये भी लेडी डॉक्टर के रेप और केस में शामिल हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों अभी के समय ये बातें भी बताई जा रही है और ऐसी खबरें भी आ रही है कि सीबीआई के हाथों कई सारे सबूत लग चुके हैं जिसकी वजह से सीबीआई अपने फाइनल डिसीजन पे पहुंचने वाली है और उन असली दरिंदों के चेहरे दुनिया के सामने आने में सिर्फ कुछ चंद दिन ही बचे हैं। सीबीआई अपनी सारी रिपोर्टों को अदालत में पेश करेगी और उसके बाद लेडी डॉक्टर के जो जो कातिल है उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। वैसे दोस्तों आपको इस पूरे केस में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कौन लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर लें ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। मिलेंगे ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।